देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर लालकुआ से है। लालकुआ में विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसके अनुषंगिक संगठन एकजुट हो चुके हैं और यहां सभी अनुषंगिक संगठनों ने डबल इंजन की सरकार की नीतियों, किसानों की अनदेखी और द्वारा हाट भाजपा विधायक को बचाने के आरोप में एक दिवसीय सांकेतिक धरना और तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। बताते चले कि प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहां किसान कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी एकजुट हुए और शहीद स्मारक पर प्रदेश व्यापी एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया। वही बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों के विरोध में एवं द्वारा हाट से भाजपा विधायक महेश नेगी द्वारा महिला के किए गए उत्पीड़न पर कड़ी कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर निष्पक्ष जांच एवं पीड़ित महिला को न्याय दिलाने की मांग की गई। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, किसान कांग्रेस सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं लालकुआ से जफर अंसारी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। किसान कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे अध्यक्ष सुशील राठी जी के नेतृत्व में यहाँ पर आज किसान कांग्रेस कमेटी ने एक धरना प्रदर्शन किया और ये मांग रखी है कि किसानों का ऋण माफ़ किया जाए, किसानों की गन्ना की पेमेंट जो इतनी लेट हो रही है वो दी जाए। और जैसे भी हमारी उत्तराखंड सरकार बिल्कुल भी सोई हुई है, कोई भी काम करने को राजी नहीं है, किसान आत्महत्या करने को तैयार हैं, किसानों के घरों में खाने को नहीं है और बिजली का बिल इतना आ रहा है उन लोगों का, पानी का, ये सब चीज़ें देखते हुए किसान बिल्कुल परेशान हो चुका है इस सरकार से और ये सरकार मतलब कुछ भी सहयोग न करने को तैयार नहीं है। इसी चीज़ को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं कि किसानों का जो ऋण है माफ़ किया जाए और किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वाराहाट से महेश नेगी जी के खिलाफ जो एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है और उनकी ये मांग है कि इनका DNA टेस्ट होना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार जो है वो भाजपा के विधायक को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। वह हम कांग्रेस जनों की यह मांग है कि उनका DNA टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो लेडी जो है कोर्ट में भी गई है और हम सारे कांग्रेस जन आज इसी उसमें जो है यहाँ पर तहसीलदार महोदय के द्वारा जो है मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है, के नाम ज्ञापन दिया है, उसमें उनको न्याय मिलना चाहिए, वो उनको तुरंत दिया जाए और बिजली जो ट्यूबवेलों में लग रही है उसका पैसा जो है तुरंत छूट की जाए। और बाकी आपको हमारे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर दुर्गापाल जी ने आपको बता दिया है कि पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है किसान कांग्रेस का। अरे बनेगी, आप कह रहे बन चुकी है 22 में, अब ये लेकिन जनता ने पूरा वो कर लिया है, अपना मूड बना लिया है जनता ने कि 22 में कांग्रेस को ही लाना है और कांग्रेस ही उत्तराखंड में जनता की देख रेख कर सकती है। हरीश राव जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये संदेश देगा कि ये डबल इंजन सरकार किसान विरोधी है, किसानों की हितैषी नहीं है। आज किसान दुखी है, परेशान है, आज सारा किसान कांग्रेस के साथ है, इसलिए हम कांग्रेस किसानों की हितों के लिए, किसानों की हितों की रक्षा के लिए संघर्ष के साथ साथ अगर ये इन्होंने अपनी नीति रीति में परिवर्तन नहीं किया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी, जेल भरेगी, जो भी संभव होगा आंदोलन के रूप में कांग्रेस किसानों के लिए करेगी।